पटना के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित किए गए परिवार परामर्श केंद्र में आधा सैकड़ा फाइलों पर सुनवाई की गई, जिसके बाद दो पति पत्नी के जोड़ों को एक साथ रहने के लिए विदा भी किया गया। आपसी मन मुटाव के चलते अलग होने वाले पति पत्नियों के बीच आपसी सामंजस्य बिठा के एक साथ रहने के लिए प्रेरित करने वाले परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों द्वारा लगातार परिवारों को जोड़े जाने का कार्य किया जाता है। प्रत्येक शनिवार के दिन परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय हॉल में किया जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें परिवार परामर्श केंद्र की तस्वीरें हैं। यहाँ बड़ी संख्या में शनिवार के दिन एक दूसरे से अलग रहने वाले पति पत्नियों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं, 24 दिसंबर के दिन आयोजित हुए परिवार परामर्श केंद्र में केंद्र के सदस्यों द्वारा 50 मामलों पर सुनवाई की गई। वहीं दो मामले में पति पत्नी के बीच समझौता भी कराया गया। बता दें कि थाना भोगांव क्षेत्र के मोहल्ला सहित की रहने वाली किरण पुत्री बालक राम का विवाह जनपद एटा के ग्राम सिकंदरपुर निवासी आदित्य पुत्र वसंत कुमार के साथ हुआ था। बीते कई दिनों से किसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी अलग हो गए थे, जो कि लगातार तब से लेकर अब तक अलग रहते हैं। मामला परिवार परामर्श केंद्र आया तो परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों द्वारा दोनों पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बिठाया और मनमुटाव को खत्म किया गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी के बीच समझौता हुआ और उन्हें एक साथ रहने के लिए विदाई दी गई। वहीं थाना एलाउ क्षेत्र के ग्राम वीरपुर निवासी सरदयाल की पुत्री पूनम का विवाह 15 मार्च 2021 के दिन जनपद फिरोजाबाद के ग्राम नगला अकल निवासी नवीन कुमार के साथ हुआ था। बीते 7 माह से किसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो गया था और दोनों अलग रह रहे थे। परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों द्वारा इनमें भी आपसी सामंजस्य बैठाकर एक दूसरे के साथ रहने के लिए इनको विदा किया गया। परिवार परामर्श केंद्र के सदस्य मुजम्मिल मिर्जा ने क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। किस तरीके के मामले अब आने लगे हैं, आप लंबे समय से? बहुत झुटपुट मामले और उनको ज़्यादा दूर दे देने का काम करते हैं परिवार वाले या दोस्त बीच वाले दुश्मनिया लोग। और सबसे बड़ा दोषी मानता हूँ फोन, जरा सी बात भी मम्मी को बता दी फिर तमाशा फैसला लेकर, तो बहुत ज़्यादा उसमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ बहुत टिपिकल भी होते हैं तो उनके लिए भी काम करते हैं, बट ये आएगा कि एक नहीं, दो नहीं, तीन चार तारीखों में कुछ ना कुछ नतीजा निकलता है, उसी ज़मीन पे हम काम करना शुरू करते हैं। आज भी कोई विदाई हुई है? आज 50 फाइलों में 2 विदाएँ अभी तक, आशा है कि और भी हो सकती है, क्योंकि आज नंबर्स की भी कमी है थोड़ी सी, मगर जो भी हैं हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं।